जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान मातृधारा संस्थान में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा विषय है कि राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है हमारे भारत देश में। तो मैं आपको थोड़ा सा धर्म से जोड़कर बताना चाहूँगी कि हमारे देश में पहले नारी की स्थिति क्या थी और आज हमारे देश में नारी की स्थिति क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, माँ पार्वती को शक्ति की देवी कहा गया है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से ही नारी की पूजा होती आई है और नारी का एक अलग स्थान रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि आज जो नारी का स्थान है वो राजनीति में कहाँ है। सन 1930 में हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया ताकि वो भी अपनी बुद्धि विवेक से अपने देश के नेता को चुन सकें। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि ना पॉलिटिक्स में मीन्स राजनीति में नारी किस तरह से अहम रोल अदा कर सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई भी महिला राजनीति में आए और महिलाओं के विकास के लिए कुछ काम कर सके तो उसके लिए आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी। इसमें जो सबसे पहली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शिक्षा। यदि कोई भी शिक्षित महिला यदि वो राजनीति में आना चाहती है, वो देश का विकास करना चाहती है, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो महिला शिक्षित होगी तो वो अपने बुद्धि विवेक से देश के लिए कुछ काम कर सकेगी, देश के विकास को आगे बढ़ा सकेगी। क्योंकि जब संसद में जाके एक महिला बैठेगी तभी वो एक आम महिला जो ग्राउंड पे कोई महिला है, जो मजदूर औरत है, जो बहुत गरीब महिला है, वो उसकी समस्या को समझ पाएगी कि मुझे इसके लिए क्या करना है। जैसा कि कहा जाता है कि भारत देश एक पुरुष प्रधान देश है, बट मैं ऐसा नहीं मानती कि हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है। यदि पुरुष प्रधान ही समाज रहेगा तो फिर महिलाएं तो होंगी नहीं। भाई महिलाएं हैं तो पुरुष हैं और पुरुष हैं तो महिलाएं। जैसे कि आप एक गाड़ी देखते हैं, उस गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यदि गाड़ी के दोनों पहियों में से एक भी पहिया खराब हो जाता है तो क्या हमारी गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती, कभी नहीं चल सकती। जब दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तभी वो गाड़ी चल पाएगी। और मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में आधी से कम आबादी महिलाओं की है। यदि उस आबादी को हम पार्लियामेंट में लाके बिठाएं, उनके प्रतिनिधित्व को लाकर बिठाएं, तो बहुत आसानी से महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। दूसरी बात है मानसिक रूप से तैयारी। जब आप ये ठान लें कि भाई मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे देश के विकास में सहयोग देना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों एक महिला जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती? ले सकती है। जैसे कि आप देखते हैं आज बहुत महिलाएं हैं जो पार्लियामेंट में बैठी हैं। हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है महारानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपने परिवार का बलिदान दिया, उन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया कि नहीं, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है और मुझे अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी है। तो क्यों हम उस महान महिला को भूल जाते हैं? हम नहीं भूल सकते। हमें उनसे इंस्पायर होकर ये सीखना है कि यदि महिला ठान ले कि उसे कुछ करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तीसरी चीज़ है आर्थिक। यदि आप कोई भी महिला चाहती है कि भाई मुझे राजनीति में आना है और मुझे देश के विकास में सहयोग करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध होनी चाहिए। समृद्ध कैसे? कि आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आप कोई जॉब में हैं, आप यदि राजनीति में जा रही हैं तो वो फिल्मी स्टाइल नहीं होता है कि भाई आप राजनीति में गए, आपके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, लोग आपको हार पहना रहे हैं, लोग आपका बहुत धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं। ये दिखता तो आसान है लेकिन सच में बहुत मुश्किल है। ये सब पाने के लिए ना आपको बहुत ग्राउंड पर काम करना पड़ता है। कोई आसान काम नहीं है कि भाई आप जो फिल्मों में देख रहे हैं वही राजनीति है। नहीं, राजनीति उससे हटकर भी है और वहाँ एक तपस्या है। आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी राजनीति में आने के लिए और आपको बहुत सारा वक्त भी देना पड़ेगा। बहुत सारा का मतलब 24 के 24 घंटे आपको राजनीति में देने पड़ेंगे, तब आप जाके राजनीति में अच्छी भूमिका निभा पाएंगी। तो आप 24 घंटे आपने राजनीति में दिए तो फिर आप अपने काम पे कब ध्यान देंगी? इसलिए पहले आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप राजनीति में सहयोग कर सके और देश के विकास में महिलाओं के लिए कुछ कर सके। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक। सामाजिक रूप से आपको सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे घर की। हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को जो है राजनीति में नहीं आना चाहिए क्योंकि राजनीति मतलब खराब चीज़ है। नहीं,
ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अपने मन से आपने अपने पक्का कर लिया है कि नहीं मैं अपनी शर्तों पे कुछ काम करूंगी, मैं अपनी शर्तों पे समाज का जो है विकास करूंगी, तो आपको कौन रोक सकता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप अपने घर में आपकी माँ बहन बेटी आप उसको सहयोग करें यदि वो राजनीति में आना चाहती है तो, क्योंकि सबसे पहला सहयोग हमारे घर से मिलना हमको बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा घर हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो कोई महिला तो आगे निकल ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा लास्ट में ये निवेदन है, जो भी माता बहन बेटी हमारी वीडियो को देख रही है और हमारा मैसेज जिन्हें मिल गया है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वो हमसे जुड़ना चाहती है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर। देश के किसी भी कोने में कोई भी महिला यदि हमारी मदद चाहती है, किसी भी तरह की मदद चाहती है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।